उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा विवाहित जोड़ों को 35,000 रुपए उनके खाते में और 10,000 रुपए का घरेलू सामान उनको दिया जा रहा है। सरकार का यही प्रयास है कि बेटियों को सम्मान मिले और गरीब तबके के सभी व्यक्तियों को मदद पहुंचाई जा सके। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। मुरादाबाद के सभी ब्लॉकों में ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के सदर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 59 जोड़ों का समारोह पूर्वक विवाह कराया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने पहुंचकर सभी हिंदू मुस्लिम जोड़ों को बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज मैं सभी बेटियों को बधाई देता हूं कि वह जीवन में सुख और शांति के साथ आगे बढ़े। जफर इस्लाम साहब भी आप लोगों के बीच में हैं। मैं जिला मजिस्ट्रेट, हमारे सीनियर साहब, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी और सभी यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं और हमारे वीडियो साहब, सभी लोग आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे का आपका जो पारिवारिक दायित्व होगा बहुत बेहतर ढंग से आप लोग निभाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आज यहाँ पर न केवल विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है बल्कि साथ ही साथ निकाह का भी आयोजन हो रहा है और ये अपने आप में समाज में जो एक दहेज की कुप्रथा है उस पर एक प्रहार है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। ये कुप्रथा को समाप्त होना चाहिए। लड़के और लड़की बराबर के हकदार होते हैं और एक दूसरे का आपको ख्याल रखना चाहिए। सांसद जी हमारे बीच हैं, मैं सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्दों। कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि सरकार ने हमेशा सभी वर्गों को सम्मान देने के साथ मदद पहुंचाने का काम किया है। इतने सारे दंपतियों को देख के उनको शुभकामनाएं देने का मन तहे दिल से अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब लोग क्योंकि लाते चेहरे खुशगवार चेहरे सब सामने बैठे हैं, सब अपने ऐसे बनने से बनने जा रहे हैं जिनसे हम लोग बन चुके हैं। कभी कभी निराश भी होते हैं लेकिन जब निराश हो तो सोचना चाहिए अपने जो वादा किया उस सारे को। इसलिए धर्म पत्नी के साथ अच्छा से जैसा नियम साहब ने कहा सुख शांति से पूरे जीवन बिताना है, समाज के लिए अच्छा काम करना और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये जो सोच है जिस सोच के तहत आज इतने सामूहिक विवाह हो रहे हैं जिसमें सब लोगों सभी धर्म के सभी समाज के सभी लोगों को एक साथ शादी करने का जो उन्होंने जो संकल्प लिया था जो साकार होते हुए दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आप हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से और यहाँ पर जो सारे जो हमारे जो राकेश जी हैं, जो मनीष जी हैं, प्रमुख जी हैं, सबकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को एक अच्छा जीवन आप बिताए इसके लिए शुभकामनाएं और हमारे तरफ से आशीर्वाद दिया आपको, धन्यवाद। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सभी जोड़ों को बधाई दी और कहा कि आप हमेशा खुश रहें, सरकार हमेशा आपके साथ है। सिटी चैनल से बात करते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मुरादाबाद ब्लॉक में आज 59 जोड़ों का सामूहिक विवाह और निकाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो शासन की योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उसके तहत इनको सब दंपतियों को सरकार की ओर से उपहार स्वरूप 35,000 रुपये इनके खातों में और जो आम जीवन के लिए कुछ सामान है ऐसा सामान इनके खूब दहेज में दिया गया है और मैं सभी नव दंपतियों को इनके नए जीवन में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं इनको सरकार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और बेहतर अपने जीवन के लिए इनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुरादाबाद के ब्लॉक में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह ने बताया कि आज मुरादाबाद ब्लॉक में समारोह पूर्वक सभी धर्मों की बेटियों की शादी कराई गई है। आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम था जिसमें 59 जोड़ों ने शादी का बंधन में बंधे हैं, जिसमें 12 निकाह हुए हैं, बाकी की शादियाँ हुई हैं फेरे फेरे। 35,000 रुपये उनके अकाउंट में, 10,000 रुपये का सामान और 5,000 रुपये का जो उनके साथ रहते हैं उनका खाने पीने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था के लिए खर्च किया। क्या प्रयास है सरकार का? है सरकार का एक बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य है जिसमें बहुत सारे गरीब लोग जो अपनी शादी में इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते वो सरकार के द्वारा हो जाती हैं व्यवस्थाएँ और एक अच्छा कार्यक्रम हो जाता है, अच्छे से इज्जत से लड़की ब्याह दी जाती है गरीब।